हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? आपस में करते हैं पॉजिटिव नमस्कार और शुरू करते हैं आज का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत बड़े बड़े नंबर करे हैं जवान टू ने, डे टू में, सॉरी जवान टू, क्योंकि गदर टू और ड्रीम गर्ल टू भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ी देर के लिए हम पॉज लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। पहले हम बात करेंगे ड्रीम गर्ल टू की, फिर गदर टू की, फिर हम ये भी बात करेंगे कि टॉप ओपनिंग लेने वाले इंडियन मूवीज कौन कौन सी हैं और जवान उसके अंदर कहाँ आती है और कौन कौन से रिकॉर्ड एक्चुअली में टूटे। हिंदी मूवी में तो ये टॉप अर्नर हो गई है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे है कि नहीं है, ठीक है जी। तो पहले फटाफट से मैं ड्रीम गर्ल टू का बताया था। आज 1 करोड़ रुपये कमाए हैं, कल भी 1 करोड़ रुपये कमाए थे। डे 15 हो चुका है इसका, 95.5 बन चुका है, 96.5। ये बहुत ही जल्दी 100 करोड़ कर लेगी, धीरे 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 101 के आसपास ये अपना लाइफ टाइम पूरा कर लेगी। और 127 इसका हो चुका है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कुछ लोगों को कॉमेडी मूवीज़ में इंटरेस्ट आता तो अभी भी लोग जाके देख रहे हैं। गदर टू ने भी आज 1 करोड़ रुपए करे, कल 1.5 करोड़ रुपए करे थे। अभी जो वेव है जवान की, उसके बाद कोई भी मूवी उसके सामने ज़्यादा टिक नहीं पा रही है, लेकिन गदर टू ने बहुत अच्छी अचीवमेंट आज करी है। उसने बाहुबली का, जो कि बाहुबली टू का 511 करोड़ का हिंदी सेगमेंट का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। तो 510.5 हैज़ बिकम 511.5। जो उसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 671 हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से इसने भी कर लिया। 700 करोड़ के ब्रैकेट में आ सकती है। और थोड़ा सा अगर सैटरडे संडे में इसको जंप मिल गया तो ये फिर पठान का 524.5 करोड़ रुपीस का जो रिकॉर्ड है हिंदी वर्जन का, उसको भी चैलेंज कर सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें अब जवान की, तो जवान की हम डे टू की कलेक्शन के में बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन हुई हैं ओपनिंग डे वाले दिन क्या रिकॉर्ड बना। तो ओपनिंग डे की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो जवान ने जो कलेक्ट किया है ओपनिंग डे में ऑल लैंग्वेजेस पुट टुगेदर वो 129.60 के, 129.60, उससे थोड़ा सा ही माइन्यूटेस्ट ऊपर है, लेकिन है ऊपर तो है ही, 99 और 100 में फर्क होता है। 130 करोड़ रुपए जो कि है साहो। साहो किसकी है? आपके भाई साहब की, जो कि है आदि पुरुष भाई साहब, जिसका नाम है प्रभास, ठीक है जी, प्रभास की हो गई। फिर KGF चैप्टर 2 जो है वो करीब 159 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड। अब 200 के ब्रैकेट वाली भी हैं, बाहुबली 2 ने करे थे 217 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड और RRR ने करे थे 223 करोड़ रुपीस। तो दो मूवीज़ जो कि टॉप 5 के अंदर हैं वो प्रभास की हैं, उसके अंदर एक KGF भी है जो कन्नड़ा मूवी है और एक तेलुगु मूवी भी है जो RRR है। साहो को टेक्निकली आप हिंदी मूवी बोल सकते हैं, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर हम जवान की बात करें तो 129.6 करोड़ रुपीज़ है। जवान का जो डे टू का कलेक्शन है वो थोड़ा सा जो है वो 50.5 करोड़ रुपीज़ है। 74.5 करोड़ उसका डे वन का कलेक्शन था। ये हिंदी सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। पठान का जो रिकॉर्ड था 55 करोड़ इसका जो हिंदी का सेगमेंट था वो ये तोड़ चुकी है, क्योंकि जो हिंदी सेगमेंट है उसमें 65.5 करोड़ रुपीज इसने करे। तमिल का जो वर्जन था उसमें इसने करे थे 5.3। तेलुगु वर्जन का जो रिवाइज वर्जन आया, कलेक्शन आया, वो है 3.7 करोड़ रुपीज। तो 74.5 करोड़ रुपीज हैज बिकम 125 करोड़ रुपीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसकी 185 से 190 के बीच में करोड़ रुपीज के आसपास रिपोर्ट करी जाएगी, यानी कि कल के दिन ये 200 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है जी। जवान के बारे में अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके बता देना।